कोई समझौता नहीं, सख्ती के साथ निपटेंगे भ्रष्टाचार अराजकता के खिलाफ। योगी राज में सरकारी डकैतों पर हुई अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी। ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि केवल उसको सस्पेंड करने और ट्रांसफर करने तक सीमित नहीं रहेंगे, हम उसको बर्खास्तगी की कार्रवाई करेंगे, सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे। पहली छापेमारी यूपी में काले धंधे वाले सरकारी मनी मैनेजर के ठिकानों पर। कोई समझौता नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अराजकता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे, सख्ती के साथ निपटेंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय निर्माण निगम के एडिशनल जनरल मैनेजर शिव आश्रय शर्मा, जिसकी एक महीने की सैलरी महज 60,000 रुपए है, उसने 600 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे बना ली, ये आज हम आपको बताएंगे। योगी राज में योगी जी ने पहले कह दिया था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो खा चुके हैं उनसे भी कुछ निकलवा लूंगा। कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये अफसर को दंडित किया जाएगा, इनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। करोड़ों अरबों की संपदा इनके पास मौजूद है, जबकि उनकी सैलरी मात्र 60,000-50,000 रुपए। दूसरी छापेमारी काले कारोबार से करोड़ों की कमाई करने वाले कमिश्नर पर। इस कमिश्नर का नाम है केशव लाल। यूपी के कानपुर में केशव एडिशनल सेल्स कमिश्नर के पद पर हैं। केशव के घर से आईटी की रेड में 10 करोड़ रुपए कैश मिले। 50,000-60,000 रुपए महीने की सैलरी पाने वाले अधिकारी के पास आखिर कहां से आए 10 करोड़ रुपए? ये तो बहुत बड़ा कदम है, बहुत पहले होना चाहिए था कदम, जो आज के डेट में कदम हो रहा है, इस कदम को आज से 5 साल पहले स्टार्ट कर देनी थी। अगर ऐसे हुआ तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी दुनिया से। अगर एक एक अफसर या जो भी भ्रष्ट करने वाले हैं उनके पीछे अगर ऐसी कार्रवाई की जाए तो। तीसरी छापेमारी यूपी में काली कमाई वाले सरकारी अफसर के ठिकानों पर। इस सरकारी अफसर का नाम है वाईपी त्यागी। उत्तर प्रदेश में जब माया शासन था तब सरकारी महकमों में वाईपी त्यागी की तूती बोलती थी। मायावती के शासनकाल में वाईपी त्यागी नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी थे। तो सिस्टम जब चेंज आएगा तो शुरू से लेके एंड तक लास्ट तक सीनियर तक चेंज अगर आएगा तब ये सारा बदलाव आ पाएगा। जो काला धन दबा हुआ है वो निकलना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी कंट्री जो कि और ग्रो करेगी। अखिलेश माया राज में पाप, योगी राज में हिसाब। ये अब तक का सबसे बड़ा कदम है। ये जो रेट पड़ी जा रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं घपला चल ही रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। नोटबंदी के बाद आपने बड़े बड़े धन कुबेरों से बरामद करोड़ों के नोट देखे होंगे। नोटबंदी से पहले आपने मध्य प्रदेश के साथ देश के दूसरे हिस्सों में सरकारी अधिकारियों के घरों से करोड़ों रुपए की बरामदगी देखी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाल के सालों में सरकारी अधिकारी के ठिकानों से करोड़ों के नोट मिलने का ये सबसे बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश में करप्शन से करोड़पति बनने का खेल खत्म होने जा रहा है। जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। कि जो अमीर है वो अमीर है बोल के अमीर हो, जो गरीब है वो बोल के गरीब हो। मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि ये सिर्फ पहले साल की कार्रवाई न रहे, ऐसा चलता रहे लगातार तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि शुरू हो गया है भ्रष्टाचार और आतंक पर योगी का रेड वॉर। जी हां, सरकारी डकैतों पर सबसे बड़ी छापेमारी। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो पीएम मोदी का सपना पूरा करेंगे। पीएम मोदी का सपना है कि वो देश से काला धन खत्म करके रहेंगे। जरा सोचिए, इस देश की आबादी है 132 करोड़ और इस देश में काला धन है लगभग
30 लाख करोड़। जी हाँ, 30 लाख करोड़। इतने पैसे से आप देश की शक्ल और सूरत बदल सकते हैं, लेकिन ये पैसा है कहाँ, किसके पास है, किस रूप में है, ये पता लगाना बेहद जरूरी है। इसकी शुरुआत 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के ऐलान के साथ हो गई थी। अब यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ काले धन के खिलाफ इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। पब्लिक का पैसा लूटने वाले सरकारी डकैतों के खिलाफ शुरू हो गया है सबसे बड़ा रेड वॉर। देहरादून के राजपुर रोड पर बना ये बंगला 600 करोड़ की काली कमाई का सबसे बड़ा गवाह है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की देहरादून ब्रांच के एडिशनल जनरल मैनेजर शिव आश्रय शर्मा के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे के बाद मानो कुबेर का खजाना खुल गया। आयकर विभाग की टीम ने एडिशनल जनरल मैनेजर शिव आश्रय शर्मा और उनके चहेते कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ एक साथ छापेमारी की। मंगलवार को डिपार्टमेंट की 8 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के हिसाब से शिव आश्रय शर्मा की काली कमाई का आंकड़ा 600 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, एडिशनल जीएम ने देहरादून में 100 एकड़ के फार्म हाउस को खरीदा था। फार्म हाउस में छापेमारी के दौरान वहां 5 लाख रुपए तक की महंगी 15 LED और विभिन्न कंपनियों के महंगे फर्नीचर वहां थे। 2015 में शिव आश्रय शर्मा ने अपने बेटे के नाम से देहरादून के पास इंडस्ट्रियल इलाके में 5 बीघा जमीन खरीदी। यहाँ 1500 स्क्वायर फीट में एक हाई फाई और महंगी मशीनों से लैस जिम बना मिला। यहाँ गेस्ट हाउस और स्विमिंग पूल बनाया जा रहा था। एडिशनल जीएम शर्मा की संपत्ति की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। बताया तो ये भी गया कि एक NRI से 10 करोड़ 50 लाख में 60 बीघा का एक और फार्म हाउस भी खरीदने की डील चल रही थी। शिव आश्रय शर्मा ने इसके अलावा कई दूसरे शहरों में भी जमीनें खरीदी हुई थी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के एडिशनल जनरल मैनेजर रहते हुए शिव आश्रय शर्मा की सैलरी करीब 60,000 रुपए थी, लेकिन उसने 600 करोड़ की संपत्ति बनाई कैसे, इसका गणित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी समझ नहीं आया। काले धंधे से बनाए गए गुलाबी नोटों पर सरकारी डकैतों के फिंगरप्रिंट भले ही ना मौजूद हो, लेकिन दूसरे काले कारोबारी तक पहुंचने का रास्ता जरूर मौजूद था। एडिशनल जनरल मैनेजर से जुड़े बाकी लोगों तक भी आयकर विभाग ने काली कमाई के तार जोड़ दिए। ऋषिकेश के गंगानगर में बने JP शर्मा के इस बंगले पर भी इनकम टैक्स की रेड हुई। ये घर शिव आश्रय शर्मा के चहेते कॉन्ट्रैक्टर अमित शर्मा के पिता का है। उत्तराखंड में BJP सरकार आने के बाद अमित शर्मा के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। 7 करोड़ रुपए के ठेके में गड़बड़ी की आशंका के बाद ये जांच शुरू हुई है। कॉन्ट्रैक्टर अमित शर्मा के घर से यूपी राजकीय निर्माण निगम से जारी करोड़ों रुपए के भुगतान की पर्चियां मिली है, लेकिन इसका रिकॉर्ड ITR में नहीं दिखाया गया। शिव आश्रय शर्मा के 600 करोड़ के साम्राज्य के सामने 7 करोड़ का ठेका तो महज छोटी सी रकम है, तो क्या अपने पद का फायदा उठाकर और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट देकर शिव आश्रय शर्मा ने इतनी बड़ी संपत्ति बनाई? और अगर इस आयकर छापे को शुरुआत माने तो क्या 600 करोड़ में अभी कुछ और जीरो जुड़ना बाकी है? एडिशनल GM के परिवार के पास रेंज रोवर, ऑडी, BMW जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियां भी मिली है। बताया ये भी जा रहा है कि शिव आश्रय शर्मा की फैमिली छुट्टी मनाने अक्सर विदेश जाती थी। आयकर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 लॉकर्स को सीज करके नोटिस जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम सरकारी प्रोजेक्ट्स को बनाने वाली प्रमुख संस्था है और अभी करीब 10,000 करोड़ के ऑर्डर निगम के पास मौजूद है। इस निगम में बड़े बजट और सरकारी पैसे के साथ साथ भ्रष्टाचार की भी शायद कोई कमी नहीं थी, तभी शिव आश्रय शर्मा जैसे एडिशनल जनरल मैनेजर ने करोड़ों की संपत्ति बना ली और पुरानी सरकारें चुप बैठी भी रही। लेकिन सरकार का राज बदलते ही सरकारी डकैतों का राज भी खुलने लगा है। देहरादून से रामानुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।